जो केस है इसको आप डिटेली कैसे हुआ है उसको आप बता दीजिए। ये मैं आगे भी बता दिया, पब्लिक को भी एड्रेस किया, मैंने उस दिन भी बोला था ले तुमिगांग का 1998 से पब्लिक सर्विस कमीशन अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में काम कर रहे थे। अल्टीमेटली वो अभी अंडर सेक्रेटरी का पोस्ट में काम कर रहे थे। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पीएसको चल रहा है, स्कैम चल रहा है, उसका समय में वो असिस्टेंट कंट्रोलर का पद पे था। जब से पब्लिक सर्विस कमीशन में द पीएसको हुआ, तब से जितना भी उधर का ऑफिसर्स को सस्पेंड करके रखा था तो उनको भी सस्पेंशन में था। लेकिन 6 महीना का इन्वेस्टिगेशन में उसको एसआईसी का तरफ से भी क्लीन चिट मिला था, उनको कोई चीज़ में उसको दोषी नहीं पाया। उसका बाद जब सीबीआई को हैंडओवर किया, सीबीआई भी उसको चार्जशीट फाइल किया, लेकिन उसका नाम नहीं था, वो क्लीन चिट था। अभी उसको फिलहाल विटनेस का तौर पे, वन ऑफ द विटनेसेस में मेन बोलने जाने से उसका की विटनेस का तरफ तौर पर उसको मेंशन किया गया, अदरवाइज उसका क्लीन सीट था। तो 23 को जो फरवरी को उनका बच्चा, 4 बच्चा है, एक क्लास 12 में है, सेकेंड क्लास 10 में, थर्ड क्लास 6 में है, जो लास्ट है वो क्लास 3 में है। तो क्लास 6 में जो बेटी है उसका बर्थडे था, तो उन्होंने बर्थडे केक लेके और मार्केट से चिकन वगैरह लेके उसका बेटी का बर्थडे मनाने के लिए रेडी हुआ, चिकन वगैरह को ड्रेसिंग कर रहा था। तो एसआईसी जो ऑफिसर वो सीबीआई में जो अटैच है, उनका ये करोंग करके, इंस्पेक्टर करोंग, बमशु करोंग बोलता है, उनका कॉल आया है अराउंड 3:48 PM में। तो उसको, उसका मिसेज भी सुना, उधर का रहने वाला बाकी लोग भी सुना। तो उन्होंने बोला था कि ये ले तुम्ही ने बोला है कि मेरा प्रोग्राम है, मेरा प्री एंगेज है, आज नहीं आ पाएगा, कल आने से ठीक है क्या बोल के उसको रिक्वेस्ट किया, लेकिन करोंग जो है नहीं मना है, वो ज़बरदस्ती बोला आना ही पड़ेगा, आधा घंटा में जिससे भी आओ बोल के बोला है। तो वो तो इतना सिंसियर आदमी था, तो ठीक है बोल के उनका बेटी को बोला, बेटी हम अभी केक मौत का, तो हाँ पापा आएगा थोड़ा देर में आएगा बोल के, और फैमिली को भी जो रिलेटिव उन लोग प्रेजेंट था उनको भी बोला अभी हम थोड़ा देर में आएगा, जाके आएगा बोल के, जूता भी नहीं पहना है, चप्पल पहन के निकला है। निकलने का बाद आता ही नहीं, आता है नहीं, माने गायब हो गया, बोला आता ही नहीं, रिटर्न ही नहीं आया। तो अभी सोचिए, उसका बेटी भी रुकते रहे, फैमिली लोग रुकते रहे, रिटर्न ही नहीं आया। तो उन लोग बाद में उधर का जो रिलेटिव्स लोग है सीबीआई ऑफिस में गया है, तो सीबीआई ऑफिस बंद पाया गया। तो एसआईसी ऑफिस में फिर गया, जो कि करोंग बोला वाला एसआईसी का इंस्पेक्टर है, एसआईसी ऑफिस में भी गया, वो भी बंद, गेट लॉक है। तो उपाय नहीं होके ये रात को उन लोग पुलिस थाना, इटानगर पुलिस थाना में भी गया था, पुलिस थाना में जाके सीबीआई ने बुलाया था, लेकिन रिटर्न नहीं आया है। तो
तो बर्थडे मनाने का बीच में निकल गया लेकिन रिटर्न नहीं आया। आप लोग काइंडली सीबीआई कस्टडी में लेके रखा गया, डिटेंशन लेके रखा गया बोल के आप लोग कन्फर्म कर दो बोला है। तो ईटानगर पुलिस स्टेशन का बोलना था कि हम लोग सीबीआई और एसआईसी का कोई नंबर संबर कॉन्टेक्ट नहीं है। आप लोग कल 24 घंटा 24 आवर्स का बाद में मिसिंग रिपोर्ट दो बोल के पुलिस थाना ऐसे बोला है। लेकिन तब भी हम लोग का जो रिलेटिव्स लोग हैं रात भर ढूंढे सुबह तक ढूंढे नहीं मिला। तो बाद में जब सीबीआई ऑफिस खुल गया तो सीबीआई ऑफिस में पूछा है आप लोग कल बुलाया है रात भर रिटर्न नहीं आया है, कहाँ है आप लोग, कौन से जगह में डिटेन करके रखा है बोला। तो सीबीआई बोला हम लोग बुलाया ही नहीं बोला। तो सीबीआई नहीं बुलाया तो करंग फोन किया है, करंग फोन करके ही कल बुलाया है तो बोला है तो करंग को पूछो बोला है। तो करंग का उधर में एसआईसी ऑफिस में गया है तो करंग को मिला है, करंग को कॉन्फ्रम करके बोला है कि आपने कल बुलाया है रिटर्न ही नहीं आया, कहाँ है बोला है। तो हम कल बुलाया था, हमको जरूर कॉल किया बोल के, वो कॉल रिकॉर्ड भी देखा है, उसका बाद वो लेट टू मीगम का आया ही नहीं है बोल के। अरे आप बुलाया है, आपको जानना चाहिए कार से रिटर्न नहीं आया है, ऐसे कैसे होगा बोल के करंग को आर्गूमेंट किया है। लेकिन अभी हमारे इधर में आया ही नहीं है, हम क्या करेगा, करंग ऐसे ही बोलते हैं। तो उपाय नहीं हो के हम लोग का जो जितना भी गालो जो रिलेटिव्स लोग था कार्गो कार्डी का रिलेटिव जितना भी और दोस्त बाकी दोस्त लोग भी सब ठीक से ढूंढना शुरू किया। मैं सिर्फ सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है तो ढूंढने का बाद में दिन का करीबन अराउंड 1 बजे वगैरह में गंगा लेक का रास्ता में उसका गाड़ी को मिल गया। तो गाड़ी को मिला ही तो रास्ता का जस्ट नीचे में और बम्बू का ग्रुप में उसका डेड बॉडी पाया गया। तो डेड बॉडी भी ऐसे था कि उसका जैकेट चप्पल वगैरह मोबाइल गाड़ी का चाबी वगैरह एक जगह में अच्छा से रखा है, उसका अपना टी शर्ट से रस्सी बना के बम्बू में लटका हुआ पाया है। तो हम लोग सर्वे किया, हम लोग का हिसाब से सर्वे किया तो उसमें कोई बम्बू का ऊपर में उतने का कोई निशाना नहीं है, कोई खून उसका हाथ भी थोड़ा काटा था और पैर को भी थोड़ा काटा था, तो उधर उतने का जगह में भी खून बाकी जगह में खून नहीं है, उसका बॉडी में भी खून नहीं है, हार्ट ये सब टी शर्ट वगैरह में गेंजी वगैरह में कोई खून का डब्बा नहीं मिला। तो खून जरूर नीचे में था बॉडी का नीचे में लेकिन वहाँ में खून नहीं मिला। तो हम लोग ऑन द स्पॉट सर्वे से ही लगा कि ये तो मर्डर है। फिर उसका गाड़ी जो स्कॉर्पियो था, स्कॉर्पियो का सीट भी स्टेरिंग का तरफ में पूरा तेल के था, तो इसका मतलब कि वहाँ में कोई था दूसरा को तीसरा आदमी था, नहीं तो इस स्कॉर्पियो का जो सीट जो है उधर से आदमी नहीं उतार सकेगा, ऐसे पोजीशन था। तो इसलिए हम लोग ये बच्चा का जो बर्थडे मनाने का बीच में निकाल के कैसे आदमी ऐसे मोड़ेगा, और जबकि उसका बाद वो एसआईसी से भी क्लीन शीट है, सीबीआई से भी क्लीन शीट, उसका अगेंस्ट में कुछ संदिग्ध कुछ भी उसका अगेंस्ट में सबूत नहीं मिला है, वो खुद भी बोलता था, तो वो कैसे आदमी ऐसे मरेगा। तो इसलिए ये जो है तुमीगंग का मौत जो है वो चच्चाई का ईमानदारी का अगेंस्ट में उसको ईमानदारी वाला को मारा है, चच्चाई को मिटाने के लिए किया है, उसको विटनेस होगा बोल के। तो इसलिए हम लोग का ये बहुत दुख का साथ में हम लोग गुस्सा भी है, इसलिए हम लोग का जो जितना भी अरुणाचल में सिर्फ गालो नहीं है जितना भी राइट माइंडेड आदमी है उनका गुस्सा इसी में है कि इतना ऑनेस्ट आदमी कैसे मरेगा बोल के। और उनका जो आपको बता दूं कि वो 1998 से अंदर से कितनी होने तक का आज तक का सफ़र में कभी भी उसको कुछ भी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम कोई भी डिसऑनेस्टी ऐसे पाया नहीं गया। उसका जो क्वार्टर है टूटा भंगा वाला क्वार्टर है ईटानगर में, दूसरा आदमी का आप देखिए उसका नेबर किसी को भी देखिए उसका जैसा नहीं, उसका ऑनेस्ट उसका एक नंबर उसका ये कैरेक्टर था। इसलिए उसका क्वार्टर भी टूटा भंगा और अरुणाचल में कहीं में भी उसका बस्ती में कहीं भी उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई घर नहीं, कोई जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है। उसका बैंक अकाउंट में भी सिर्फ 18,000 पाया गया, उसको भी सीज करके रखा है एसआईसी ने। तो इस तरह से ऐसे ऑनेस्ट आदमी को अपना बेटी का ये बर्थडे मनाने का बीच में
बुला के गायब करने वाला, ये एकदम हम लोग डाइजेस्ट नहीं होगा, टॉलरेट नहीं होगा, टॉलरेट नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग जब तक उसका जस्टिस नहीं मिलेगा हम लोग लौटते रहेगा। और अभी उसका जो बर्थडे केक का आधा कटा वाला फ्रिज में अभी भी है, आप लोग जाने से बहुत रोना रहेगा। कोई भी अरुणाचल का आदमी को हम ये आप लोग का माध्यम से बताना चाहूँगे, आप लोग भी जाके देखिए वो कहाँ में रहते थे लेट टुमिगांग का, और उसका आधा खाया हुआ बर्थडे केक को भी आप लोग देख लीजिए। यही बोलना था। तो सर, इस केस को लेके यहाँ का अरुणाचल जो गवर्नमेंट है, इसका रिस्पॉन्स अभी कैसे? अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से ऐसे उस दिन जो है न्यामर करबाक अरुणाचल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करके हम लोग को फैमिली को और गालो वेलफेयर सोसाइटी और जो जितना भी हम लोग का आपसू और ये रिलेटिव्स लोग को मीटिंग किया था डीसी का साथ में, उनका यही बोलना था कि एकदम इन्वेस्टिगेशन अच्छा से करेगा बोल के, और जो भी बनता है हम लोग कोऑपरेट करेगा बोला था। तो हम लोग बोला है GWS जब डिमांड जो भी हम लोग तो जस्टिस चाहिए, और जो आगे का डिमांड है हमारा GWS अथॉरिटी है वो डिमांड करेगा। अभी तो गवर्नमेंट से कॉन्क्रीट कोई ऐसे कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया। पोस्टमार्टम का तो टाइम रिपोर्ट पुलिस को मिला होगा, लेकिन अभी तो हम लोग को पता नहीं चला है पोस्टमार्टम में क्या है। लेकिन वही है, ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्कैम है वो इतना बड़ा लेवल का है कि अगर मर्डर किया तो भी हाईली प्रोफेशनल वे से मर्डर किया होगा। तो हम लोग सिर्फ पोस्टमार्टम का आउटकम से हमको तो कुछ इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि जो मर्डर किया होगा वो हाई प्रोफेशनल एकदम किया होगा, लेकिन द सर्कमस्टेंसेस वो किस तरह से मरा है ना, अपना कुछ भी गलती नहीं किया, क्लीन सीट पाया गया वो आदमी, और अपना बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन का बीच में निकल के वो कैसे अपना से मरेगा। जो भी हो हम लोग क्यों मरा है, एक इनोसेंट आदमी हमारा समाज का, हमारा गालो समुदाय का सिंसियर आदमी, हमारा अरुणाचली का एक एग्जाम्पलरी जो ऑनेस्ट आदमी कैसे मरेगा बोल के हम लोग का यही गुस्सा है। हम लोग माने जब तक ये जस्टिस नहीं मिलेगा हम लोग तब तक लड़ेगा।